सीधे इस वक्त आपको दिखाते हैं, मायावती कुछ कह रहे हैं। पर नूह की घटना को लेकर ये लगता है कि हरियाणा राज्य के पास दंगा वह उसको लेकर आगे भड़क रही है। हिंसा को रोकने की नीयत का पूरी तरह से अभाव है, जो और भी चिंताजनक बात है। वैसे भी चाहे मणिपुर हो या हरियाणा सहित अन्य राज्यों में हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हुई हैं, हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं दंगा एवं हिंसा आदि को राजनीति तथा संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनने की अनुमति किसी भी राज्य सरकार को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा करना हर राज्य सरकार की पहली संवैधानिक जिम्मेवारी बनती है, जो स्थानीय पुलिस के निष्पक्ष एवं प्रभावी प्रयोग से संभव है। जैसा कि बीएसपी की सरकार ने यूपी में एक बार नहीं बल्कि 4 बार करके दिखाया है। अपनी हुकूमत 4 बार यूपी में मेरे नेतृत्व में सरकार वहाँ रही है, तो एक बार नहीं बल्कि 4 बार मैंने अपनी हुकूमत में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन बना के कानून का राज कायम करके वहाँ दिखाया है, जिससे सबक लिया जा सकता है। इसके अलावा बीएसपी की ये मांग है कि हरियाणा की राज्य सरकार को वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा एवं अमन चैन आदि की बहाली का निष्पक्ष गंभीर एवं ईमानदार प्रयास तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए, तथा केंद्र की सरकार को भी इस मामले में राज्य सरकार की हर प्रकार से मदद को जरूर आगे आना चाहिए, ताकि वहाँ हालात आगे न बिगड़ने पाए। जिसकी आशंका को लेकर ही दिल्ली व यूपी सहित अन्य कई राज्यों में भी सुरक्षा का रेड अलर्ट कर दिया गया है, जो उचित कदम भी है। अंत में अब मैं अपनी व पार्टी की ओर से हरियाणा व नज़दीक के लगे राज्यों की जनता से भी शांति व्यवस्था बनाने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो बसपा प्रमुख मायावती को आप सुन रहे थे। हरियाणा सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही है, हिंसा को लेकर उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर ही निशाना साधा, हरियाणा की सरकार को निशाने पर लिया। और मायावती ने यह कहा कि जो हिंसा वहां पर भड़की उसके लिए हरियाणा सरकार ही जिम्मेदार है और जल्द से जल्द वहां पर शांति बहाली हो, इस ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो हरियाणा हिंसा पर मायावती का ये बयान आपने सुना, जिसपे सरकार पर सवाल उठाते हुए हरियाणा सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है, ये विफलता रही सरकार की, यात्रा को सुरक्षा आखिर क्यों नहीं दी गई जब मालूम था उस रास्ते से गुजरने वाली है यात्रा। तो हरियाणा हिंसा पर बोली मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई सवाल भी खड़े किए। इस तरीके से हिंसा वहां पर भड़की, अगर ऐसा अंदेशा पहले से था, कोई शोभा यात्रा वहां पर निकलनी थी तो इसके लिए मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे प्रशासन की तरफ से, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। और सीधे सीधे सवाल हरियाणा सरकार पर ही है। हरियाणा हिंसा पर मायावती का बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए, हरियाणा सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही है ये उन्होंने कहा है, और कानून व्यवस्था वहां पर ठीक हो, अब ये लगातार इसका इंतजार हो रहा है, यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और हरियाणा सरकार की केंद्र सरकार मदद करे ये भी उन्होंने बात कही है। तो हिंसा को लेकर सरकार लगातार कटघरे में है, क्योंकि इस हिंसा में जिस तरीके से कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इसे कहा जा रहा है कि ये साजिशन हुई, लेकिन फिर ऐसे भी सवाल ये कि अगर ये साजिश थी तो इसे समय रहते रोका क्यों नहीं गया, यात्रा को सुरक्षा सही तरीके से क्यों नहीं मुहैया कराई गई, कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि हरियाणा की मदद करे केंद्र, हरियाणा सरकार की मदद करे केंद्र। हरियाणा सरकार की विफलता का जिक्र करते हुए मायावती, आपने सुना उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जिस तरीके से ये कह रही थी कि जो कुछ हुआ उसमें सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है वो हरियाणा सरकार की है, क्योंकि वो हिंसा रोकने में नाकाम रही। तो सोमवार को जो हिंसा वहां पर भड़की उसके बाद लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, जो हरियाणा को जलाया गया उसके पीछे कौन हो सकता है, क्या मंशा हो सकती है, क्या साजिशन ये सब वहां पर हुआ, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो सभी के जहन में उठ भी रहे हैं। और इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बसपा प्रमुख मायावती ने, और सीधे सीधे ये कहा है, उन्होंने कहा कि अगर प्रस्तावित जो यात्रा वहां पर थी तो इसको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।